जो है हम सिलगोटा में फाइनली इंटर हो चुके हैं और तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद करीम तारिक और आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल इट्स करीम। तो जी आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। अभी मैं बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, बड़ा इख्तियार से याद हो चुका हूँ मैं अभी। और सोमवार का दिन है और मैं ये भी आपको बताता हूँ कि दो दिन व्लॉग क्यों नहीं आया, सारी तफसील बताता हूँ जी। तो ये हमारा जो है मोटरसाइकिल तैयार हो चुका है और आज जो है मोटरसाइकिल पर जाएंगे जी। तो रात काफ़ी देर तक बारिश होती रही है, आप मौसम चेक करें माशाल्लाह से यमी किस्म का हुआ हुआ। तो अभी जो है निकलने लगे हैं तो बाइक पे जाना है, सफ़र बहुत ही जो है ना नाजुक किस्म का है। वैसे अल्लाह पाक खैर से ले जाएं और बस उम्मीद तो है आज ही निकलेंगे वापस, क्योंकि स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं। बाकी देखें क्या हो सकता है क्या नहीं, तो बस साथ लें ब्लॉग पूरा देखना और अभी से जो है ना लाइक कर दें, तो बस चलते हैं। बाकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दो दिन क्यों नहीं ब्लॉग बनाया, बस टाइम मिलता जैसे ही फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी चलते हैं जी। तो अभी जो है हम परिवार पहुँच चुके हैं और बस रश जो है देखें आप परिवार का कितना ज़्यादा है। अभी बस सफ़र जो है कंटिन्यू चलता है और अभी गवर्नमेंट से जो है बहुत कंपनी है, अभी वो भी नहीं है, तबीयत जो है काफ़ी नाजाज हो चुकी है। तो खैर अभी हम बस जा रहे हैं बैठ से, अभी क्या होता क्या नहीं। समझता नहीं हवाओं
से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल की कहां थी मुझे ये खबर। कहीं पे सवेरे ये आवाज़गी ही नहीं, साथ मेरे ठहर जा ये कहती है तेरी नजर। क्या हाल हो गया है ये मेरा के मेरी हर जगह। जी तो यहाँ पे जो था एक्सीडेंट हुआ था, जो बाइक थी उसके पीछे एक रेहड़ी टाइप लगी हुई थी लकड़ी की, तो उस पर कुछ बंदे थे आई थिंक, वो झाड़ियों में जा के लगी थी क्योंकि बाइक वगैरह उधर कोई भी नहीं था। वो लक्ष्य के साथ ही कुछ हुआ था जो कि गिरा था, तो इसलिए लेस के उधर आई हुई थी। तकरीबन इधर से हमारा जो सफ़र 50 किलोमीटर मैक्सिमम 50 किलोमीटर घर तक। तो अभी जो है सिलगोटा में फाइनली इंटर हो चुके हैं और तकरीबन 10 बजे का टाइम हो चुका है, तो हालत जो है बहुत ही टाइट किस्म की हो गई है और फाइनली सिलगोटा में इंटर हो चुके हैं। जी तो अभी जो है मैं स्कूल आ चुका हूँ, रात को काफ़ी लेट पहुँचे थे, तकरीबन 10 बज के कुछ टाइम ऊपर ही था, तकरीबन 10:10 पे पहुँचे थे घर या 10 तक लाने, तो इसलिए अभी मैं स्कूल आ चुका हूँ और हालत काफ़ी नाजुक है। मतलब एक सुबह उठना हो, एक दिन का भी सफ़र हो, कम से कम जो है एक साइड का जो हमारा सफ़र था 110 किलोमीटर थे, 110 सुबह करना 110 शाम को करना पे एक ही दिन, तो काफ़ी जो है मसला बन जाता है। तो बाइक पे हो ना गाड़ी पे हो तो कोई नहीं फील होता, मैं जब पे 500 हज़ार भी कर ले तो कोई इशू नहीं होता, बाइक का जो होता है सफ़र। और लोड जो थी परिवार से आगे बहुत ही ज़्यादा घटिया थी, और रात को इतने जंप होते ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि अचानक आ जाता है, तो फिर वो आगे से वन वे लोड और गाड़ी वाले जो है हाई लाइट्स भी ऑन कर देते हैं, डबल लाइट्स ऑन कर देते हैं, तो वो वाली बात फिर नहीं रहती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दिन वाला जो सफ़र था हमने दिन में तकरीबन 3-3.5 घंटे में हम पहुँचे थे, और शाम को वही सफ़र हमने 4 घंटे में होगा। तो खैर मैंने कहा कि व्लॉग एंड कर दीजिए, व्लॉग इतना ही था, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़, शेयर लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया। और हाँ मैंने आपको बताया ही नहीं मैं गया क्यों था, मैं लंदन पर गया था, जो मेरे भाई का पिछला लंदन लगा था मकानों पर उनका डबल स्टोरी का लंदन था, मेरे भाई ही हैं तो उनका मकान बना रहे हैं माशाल्लाह से, अलाबाद उनके नसीब में करे रहना उधर लाना और सब करना नसीब में अलाबाद करे कुछ नहीं, तो वो उनका लंदन था डबल स्टोरी का।
मैंने इंस्टॉल का होगा तो डबल का होगा तो मेरी सारी बात है। अगर बंदा दूर गए तो फिर बेशक बंदा दूर गए, पर ऐसी जो खुशी कमी होती है तो आई थिंक सो कि इंसान को जाना चाहिए। हालांकि मेरा बहुत दिल करता है कि कोई खानदान में फोर्टी भी हो ना तो मैं जाऊँ, खुशी भी हो तो मैं जाऊँ। पर पॉसिबल नहीं होता, कुछ चलो फैमिली को भी देखना होता है, समझ रहे हो ना, सरकार ने जैसा कहना वैसा ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, तो इसलिए जो है हर चीज़ देखनी पड़ती है। अभी फिर मिला इतना ही था, मैं अल्लाह हाफिज़ करके आज फिर शुरू हो गया हूँ, तो अल्लाह हाफिज़।